हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ध्रुव राठी के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं। यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको चैनल में एक प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगी, जहां पे आपको सारी ध्रुव राठी की वीडियोस जो है देखने मिल जाएंगे। तो यदि आप ध्रुव राठी जैसे वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर आप एक बार चेक करें, उसमें सभी टाइप के आपको जो है एडिटिंग वीडियोस देखने मिल जाएंगी। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उनकी जो लेटेस्ट वीडियो हमने ओपन कर लिया, लिथियम के ऊपर जो वीडियो आई हुई है इनकी। लिथियम बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम वीडियोस जो है लिथियम के ऊपर बन रही हैं। लिथियम व्हाइट गोल्ड बोला जा रहा है यहाँ पे, जो कि अपने इंडिया में पाया गया है। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकी एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेट वाला एनिमेशन आप देख रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद में ये यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे कुछ नया देखने मिला इनके वीडियोस में। इस टाइप की यहाँ पे जो है एडिटिंग पहले नहीं देखने मिलती थी, बट इनके वीडियोस में कुछ नया देखने मिला। तो आप फिर से एक बार देखिए कि पहले यहाँ पे जो है ये इमेज आती है, देन इसके बाद में जूम आउट होकर के ये आ जाता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा एनिमेशन यहाँ पे बनाया गया है। तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो है इसका इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये नीचे से इमेज आई हुई है और यहाँ पे एक लोगो अपील हो गया है, तो यहाँ पे सीधे पॉपअप एनिमेशन हुआ है लोगो का। और यहाँ से नीचे से जो है इमेज पीएनजी इमेज जो है आई है नीचे से पोजीशन के एनिमेट करके यहाँ पे अलाई गया है। ठीक है, तो ये आप बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। बट जो जूम आउट वाला जो एनिमेशन है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लिया। देन इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जूम आउट होकर के ये यहाँ पे इस टाइप का कुछ सीन दिखाई दे रहा है। तो हालांकि ये फेक यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये अलग से लगाया गया है और ये जो इमेज ये अलग से लगाई गई है वो अलग ही साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि यदि जूम आउट होता लेंस से, यदि ये जूम आउट करते कैमरा से, यदि जूम आउट करते तो ये पेड़ भी यहाँ पे जूम आउट हो जाता, ये फोकस में नहीं रहता। तो वो चीज यहाँ पे पकड़ में आ रही है, इनके एडिटर ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद में देखिए, फिर जूम यहाँ पे ब्लर हो रहा है वो, तो ब्लर अलग से लगाया गया है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमको एक इमेज चाहिए होगी, तो वॉचिंग टीवी इमेजेस कुछ टाइप से सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इमेजेस जो आपको देखने मिल जाते हैं इस टाइप से। तो आपको सिंपल जो है, जैसे कि हम ये इस इमेज को यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है इस इमेज को सेव कर ले रहे हैं। देन इसके बाद में हम जो है आफ्टर इफेक्ट में इसको इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं आफ्टर इफेक्ट ओपन कर ले रहा हूँ। देन इसके बाद में हम जो इसको कंपोजिशन में क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम जो सेम इफेक्ट जो जैसा भी हमने एनिमेशन देखा वैसा ही यहाँ पे हम जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों इमेजेस को जो है इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। देन इसके बाद में हमको एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेना। मैं 1920x1080p में यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। देन इसके बाद में हमको जो ये इमेजेस हैं, इन दोनों इमेजेस को इंपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इमेजेस जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये दो इमेजेस हैं, एक तो ये है फ्रेम वाला जो कि टीवी के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे फोटो फ्रेम है, हम यहाँ पे टीवी दिखा दे रहे हैं, सेम ही चीज़ है। और यहाँ पे दूसरा इमेज है ये वाला। तो हमको क्या करना है कि इसको पहले स्केल कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हमको स्केल कर लेना फाइनल पोजीशन की। फाइनल पोजीशन हमको क्या दिखानी, वो हम यहाँ पे स्केल करके रख लेते हैं। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन रहेगी। देन इसके बाद में हमको यहाँ पे सेट कर लेना। तो हम यहाँ पे पोजीशन पे की लगा देंगे यहाँ पे पहले, और यहाँ पे देखिए मैंने पोजीशन पे की लगा दिया और स्केल की यहाँ पे हमने की लगा दी है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे जो है इस इमेज को जो हम स्केल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस इमेज को प्रॉपर हमको सेट करना है। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल हमको एक रेक्टेंगल टूल लेना है और यहाँ पे जो स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन साइज में हम जो है यहाँ पे एक शेप बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिया है, और ये यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेकर के मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट कर दिया। अब सिंपल हमको क्या करना है, जो ये इमेज है तो इमेज को हमको यहाँ पे ट्रैक मैट कर देनी है इस शेप के साथ में। तो ये देखिए मैंने इमेज को ट्रैक मैट कर दिया है। देन इसके बाद में हमको क्या करना होगा, इस इमेज को एडजस्ट कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इमेज को ले ली और यहाँ पे मैं इसको स्केल करके एडजस्ट कर ले रहा हूँ कि कितने एरिया में हमको चाहिए है। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइज कम पड़ रहा है, तो हल्का से स्केल कर देंगे हम यहाँ पे। तो प्रॉपर सेट कर लेना है इसको कितना चाहिए हमको यहाँ पे। तो ये हमारी इमेज सेट हो चुकी है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमको इन दोनों को पेरेंट कर देना। तो ये दोनों लेयर्स को मैं यहाँ पे पेरेंट कर दे रहा हूँ नीचे मेन इमेज से। तो ये वाली जो इमेज थी हमारी, इस इमेज से हमने जो है पेरेंट कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने की लगा दी यहाँ पे स्केल की और पोजिशन की, और आगे आकर के हमको जो है इसको स्केल कर देना। तो देखिए मैं यहाँ पे स्केल कर दे रहा हूँ और पोजिशन जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ कितनी चाहिए हमको। तो ये देखिए इस टाइप से हमने जो है यहाँ पे स्केल कर दिया है। अब इसकी पोजीशन आपको सेट कर लेनी कितने चाहिए आपको, पूरा फ्रेम पूरा दिखाई नहीं दे, केवल इमेज बस दिखाई दे, इतना आपको सेट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस टाइप से इसको जो है यहाँ पे सेट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा सीन क्या था वहाँ पे, कि पहले ये इमेज आती है, तो यहाँ पे लोगो आ जाता है, नीचे इसे इमेज आ जाती है,
पोजीशन के एनिमेट पोजीशन की की लगा करके आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो है ये जूम आउट हो जाता है। तो ये देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पे जूम आउट इफेक्ट देखने मिल जाता है। तो सिंपल यहाँ पे आपको लगा देना है इजी इज इन, तो यहाँ पे लगा देना है इजी इज आउट। तो ये देखिए काफी अच्छा एनिमेशन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया ये। इसके बाद में सीन ब्लर हो जाता है। तो ब्लर कैसे होता है, तो हमको एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है। एडजस्टमेंट लेयर लेंगे हम, इसमें हमको डाल देना है गॉसियन ब्लर। तो ये देखिए गॉसियन ब्लर मैंने एक इफेक्ट डाल दिया। तो सेम आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये जूम आउट होता है, देन इसके बाद में यहाँ पे आपको की लगा देनी है और थोड़ी आगे जा करके इसको जो है ब्लर कर देना, जितना भी आप ब्लर करना चाहते हैं उतना ब्लर कर दीजिए। देन इसके बाद में वो इमेज जो आ रही थी फोन कॉल वाली जो इमेज आ रही थी नीचे से ऊपर आ जाएगी इमेज, और इसके बाद में जो वहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन है वो आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप से आप यहाँ पे ऐसा एनिमेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम सीन पे। तो यहाँ पे जूम इन इफेक्ट यहाँ पे सिंपल लगाया गया है। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट इस टाइप से आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ये इस टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो यदि आप लोग ने नहीं देखे तो आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ग्लो हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो ओपेसिटी के साथ में जो इसको आप ग्लो कर सकते हैं। अब सिंपल आप देखेंगे कि सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक शेप, जैसे कि मैं बना करके दिखा देता हूँ, जैसे ये एक शेप है। अब इसको जब कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। अब इसमें जो है हम ग्लो इफेक्ट डाल देंगे। तो ये देखिए ग्लो इफेक्ट मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ग्लो इफेक्ट जैसे डालेंगे तो ये देखिए साइड साइड में यहाँ पे जो है ग्लो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए कितनी चाहिए आपको, और इसका रेडियस बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये देखिए रेडियस हमने बढ़ा दिया है। तो ये देखिए इस टाइप से आप जो है ग्लो इफेक्ट इसको अब यहाँ पर रेडियस से भी आप चाहें तो यहाँ पे इसको जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ओपेसिटी से कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रिम पाथ यूज़ किया गया है। ट्रिम पाथ के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया हुआ किस तरीके से आप ट्रिम पाथ को यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मोबाइल ये आपको देखने मिल रहा है जो, तो ये PNG इमेज है, बस हो गया यहाँ पे पोजीशन से एनिमेट हो रहा है। अब ये आपने देखा कि चारों साइड से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साइड से पोजीशन से आ चुका है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसको सिंपल तरीका है आपको कैसे क्रिएट करना है। सिंपल आपको ये है कि मैं एक नया कंपोजिशन बना दे रहा हूँ। अब सिंपल जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो शेप है, तो सिंपल मैं पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा यहाँ पे हमको जो है ऐसा सीन क्रिएट करने में। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब इस स्क्रीनशॉट को मैं सेव कर लेता हूँ और वीडियो में इम्पोर्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैं ले लिया, अब सिंपल इस स्क्रीनशॉट को जो है हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया है। अब देन थोड़ा सा स्केल कर लेंगे हम इसको। अब हमको क्या करना है कि ये शेप क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको रेक्टेंगल जो है एक ले लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल आपने ले लिया है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है। तो यहाँ पर 45 डिग्री हम इसको रोटेट कर देंगे, और इसका जो एंकर पॉइंट है सेंटर में रख लीजिए आप। और इसके बाद में आपको इस टाइप से जो है काफ़ी सारे शेप बना लेने हैं। ठीक है, देन जैसे कि मैंने ये किया, इसको डुप्लीकेट कर देंगे हम। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया इसका। आपको कलर चेंज कर लीजिए इसका, जो भी कलर आपको रखना है। जैसे कि ये कलर हमने कर दिया, स्केल करके हम छोटा कर देंगे इसको, और इसको यहाँ पे सेट कर दिया। देन डुप्लीकेट किया इसको, यहाँ पे कर दिया, इसको स्केल कर दिया हमने छोटा, कलर कर दिया हमने थोड़ा सा डार्क इसका। देन इसी तरीके से आपको पूरा सेट कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे करते चल रहे हैं, तो ये देखिए इस टाइप से हमने जो है पूरा यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब देखिए अभी इमेज को हम हाइड कर देते हैं, तो एग्जांपल के लिए हमने क्रिएट किया था। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो है पोजीशन पे की लगा देनी है। तो सभी में आपको पोजीशन की की लगा देनी है। तो ये देखिए हमने सब पे पोजीशन की लगा दी। देन आगे आना है आपको, अब इन सबको जो है मूव कर देना। जैसे कि ये यहाँ से आ रहा है, तो स्क्रीन से बाहर हम ले जाएंगे इसको। इस टाइप से हम छोटा स्क्रीन कर लेते हैं। देन ये यहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये बस क्या कर रहे हैं, हम स्क्रीन से बाहर ले जा रहे हैं इन सबको। तो देखें अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सभी आकर के ये सेट हो जाएंगे। यहाँ पे इन तीनों में जो है पोजीशन की नहीं लगी हुई थी, तो यहाँ पे हमने पोजीशन की लगा दी। देन इसके बाद में इनको भी बाहर कर देंगे हम। ठीक है, तो अब ये देखें ये यहाँ पे आ चुके हैं पूरे। अब आप देखेंगे तो मेन चीज़ है पहले हमको फाइनल कंपोजिशन क्रिएट करनी। कभी भी एनिमेशन का सबसे अच्छा शॉर्टकट ये है कि आप कोई सा भी एनिमेशन यदि क्रिएट कर रहे हो तो पहले आप फाइनल फ्रेम जो है, फाइनल आप क्या दिखाने चाहते हैं आउटपुट, पहले वो उसका एनिमेशन पे की लगाओ। देन इसके बाद में स्टार्टिंग का एनिमेशन आप ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। फाइनल पोजिशन पर आप की लगा लो ताकि एनिमेशन आप बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से यहाँ पर क्रिएट सको। सबसे अच्छा सीक्रेट ये है कि फाइनल पोजिशन, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, फाइनल पोजिशन पर हमने सारी चीज़ों को रख लिया है। देन इसके बाद में फर्स्ट फ्रेम पर आकर के उसको हमने बाहर कर दिया।
दिया स्क्रीन से, बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पर हमने जो है इस टाइप का एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आप यदि देखो, अब यदि आप यहाँ पे देखोगे और अच्छा, यदि आपको एनिमेशन क्रिएट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, इन सभी की फ्रेम को आपको चूज़ करके यहाँ पे इनको आप इजी इन कर दो और यहाँ पे इन फर्स्ट वाले की फ्रेम को इजी इज आउट कर दो। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन कर देना है, ठीक है। मोशन ब्लर जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोशन ब्लर इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये देखो ब्लर इफेक्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई देता है, तो आप इसको ऑन कर दो आप, ठीक है। तो इससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो मोशन ग्राफिक्स जितने भी होते हैं मोशन ब्लर यदि आप ऑन करते हो, हाँ थोड़ा सा फाइल जो आपकी हैवी हो जाएगी, बट यहाँ पे आपका जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। देन आगे चलते हैं वीडियो पे। अब यहाँ पे देखो स्केल हो रहा है, वो तो स्केल करने के लिए सिंपल वही है कि स्केल पे गिला करके आपको बड़ा कर देना फिर छोटा कर देना, वो तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब पीछे यहाँ पे जो है आप देखोगे तो पीछे यहाँ पे स्टॉक फुटेज लगी हुई है, ये भी आप देख रहे हो, तो इस टाइप की आपकी काफ़ी सारी ग्रीन जो है ग्रीन स्क्रीन पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे, अल्फा वीडियोस मिल जाएंगे ना, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप यदि ये देख रहे हो कि ये वाला जो इफेक्ट आप देख रहे हो ऑयल की जो वेव आ रही है, तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से आप यहाँ पर ऑयल वेव क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ था कि यदि आपको इस टाइप की जो ऑल जो वेव्स हैं ऐसे क्रिएट करनी है तो वो सिंपल कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है शेप लेयर ले लेनी है, जैसे कि यहाँ पे इस शेप का कलर जैसे है उसमें ग्रीन था तो हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, ये देखो इस टाइप से कलर हमने कर दिया। देन इसका जो डुप्लीकेट आप ले लो एक, या फिर आप इसी में एक ले लेते हैं, हम यहाँ पर डालेंगे टर्बुलेंस डिस्प्लेस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डाला, देन इसमें हमको यहाँ पे की लगा देनी है, ये हमने लगा दी एवोल्यूशन पे की, और आगे जा करके हमको यहाँ पे इसका नंबर जो बढ़ा देना है। देन हमको क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट लेनी है और इसकी इमेज थोड़ा सा यहाँ पे कलर इसका जो चेंज कर देना है हमको थोड़ा, ठीक है, ये हमने कलर चेंज कर दिया। देन इसके बाद फिर से इसकी डुप्लीकेट लेनी है और इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे हम और इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देंगे हम, ये देखें यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गई, अब इनकी जो कीज़ हैं वो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, इसका जो नंबर है थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, इसका नंबर है थोड़ा सा आप घटा दीजिए या फिर बढ़ा दीजिए, जो भी करना है आप कर दीजिए यहाँ पे, या फिर और ज़्यादा कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे वेव आपको सेम यहाँ पे वैसे इफेक्ट यहाँ पे आ गया, ऐसा लग रहा है कि पानी की लहरें जो हैं यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जो है जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप एनिमेशन को इतना ज़्यादा टफ मत समझो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको मन लगा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, और जब भी आप कोई भी चीज़ नई क्रिएट करते हो तो उसको थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, हो सके तो भूल रहे हो आप बार बार तो बार बार वीडियो को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो कुछ टाइम बाद आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी, फिर आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। देन यहाँ पे स्टॉक फुटेज है, काफ़ी ज़्यादा कंपोज किया गया है वहाँ पे, 3-4 चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ठीक है। मेन क्या है कि इनकी यदि कंपोजिशन आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सीन को काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे स्काई है, पीछे बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे इनका जो ग्रीन स्क्रीन का जो फुटेज है इसका डुप्लीकेट किया गया है, पीछे उनके ड्रॉप शैडो बनाई गई है, ड्रॉप शैडो उनको अलग से डालनी पड़ी है ना, अलग से, क्योंकि ये सीन के अंदर हो भी सकती है कि ऐसा शूट किया गया हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि लाइटिंग यदि आप देखो तो लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, बट यहाँ पे ड्रॉप शैडो अलग से डाल दी गई है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी। डुप्लीकेट करना है और उसके अंदर फिल इफेक्ट डाल देना, फिल इफेक्ट करने के बाद में वहाँ पे उसमें थोड़ा सा गाउजियन ब्लर डालकर उसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देनी, बहुत ईजी है एकदम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो ऊपर जो लगाया गया है पैचेस टाइप से लगाया गया है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे पैचेस मिल जाएंगे आपको, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो ना। न्यूज़ क्लिप में यहाँ पे लगाने से थोड़ा सा इंपैक्ट अलग से आ जाता है, एक डॉक्यूमेंट्री वाला फील आ जाता है, तो वो यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे थोड़े जो एनिमेशन है बहुत ही अच्छे, यहाँ पे आप देखोगे ब्लर से इसको यहाँ पे मास्क लगा करके इसको जो है एनिमेट किया गया, आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल मास्क लगा हुआ है, ये फोटोशॉप में पहले डिज़ाइन कर लिए होंगे, देन इसके बाद मास्क लगा करके उसको एनिमेट कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी। आप चाहो तो डायरेक्टली आप आफ्टर इफेक्ट में भी इसको एनिमेट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बट इनके जो एडिटर हैं उन्होंने यहाँ पे इसको फोटोशॉप में शायद तक क्रिएट किया है, उसमें फिर मास्क लगा के एनिमेट किया है यहाँ पे, मे बी ऐसा किया है इसको एनिमेट, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो पीछे जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड, ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कैसे आप बैकग्राउंड ये बना सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। पुरानी प्लेलिस्ट ध्रुव राठी वाली जो प्लेलिस्ट है आप पूरी देख लो, ऑटोमेटिक इस टाइप का पूरा एनिमेशन बनाना आप सीख जाओगे, ठीक है, बस केयरफुली आप देख लो उस वीडियोस को। ये आप यहाँ पे देख रहे हो जो टेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो यहाँ पे विगल इफेक्ट लगा हुआ है, विगल इफेक्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है, विगल इफेक्ट के बारे में मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ था, तो आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो फिर देखो पहले जा करके।
और यहाँ पे जियो लेयर का यूज किया गया है। तो यदि आपने जियो लेयर वाली वीडियो नहीं देखी तो जियो लेयर की एक प्लेलिस्ट आपको देखने मिल जाएगी जहाँ पे मैंने जियो लेयर का स्टार्टिंग से लेकर के बताया हुआ है। अभी वो उसमें और भी आगे वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर। तो आप यदि जियो लेयर यदि मैप एनिमेशन वगैरह सीखना चाहते हो तो इस प्लगइन का यूज करके आप मैप एनिमेशन काफी अच्छे बना सकते हो। तो सीखने के लिए जियो लेयर की प्लगइन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसको जाकर के जरूर देखें चैनल पे। और बाकी पूरी वीडियोज में वही स्टॉक फुटेज वगैरह का यूज करके काफी अच्छे तरीके से उसको कस्टमाइज करके यहाँ पे यूज किया गया है हमेशा की तरह इनके वीडियोस में। बट स्टार्टिंग में काफी अच्छा लगा मुझे, एनिमेशन कुछ नया देखने मिला इनकी वीडियोस में, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया है मैंने, काफी इजी तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग और किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियोस लेकर के आएंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।